शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। बहादुरगढ़ की है। दरअसल इनेलो नेता व इनसो के जिला प्रधान महासचिव संजय दलाल ने दिनांक 17 मई 2018 को बहादुरगढ़ नगर परिषद के गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया था। दरअसल संजय दलाल ने सफाई कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर दो दिन में सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो इनेलो व इनसो के कार्यकर्ता शहर का कूड़ा स्थानीय विधायक व नगर परिषद चेयरपर्सन के घर के बाहर कूड़ा फेंकने का काम करेंगे। इसी कड़ी में अपने वादे को निभाते हुए संजय दलाल व उनकी टीम ने 19 तारीख को शहर का कूड़ा इकट्ठा कर स्थानीय विधायक के कार्यालय के सामने फेंका गया। जो पिछले दिनों आपने जो नगर परिषद के कर्मचारियों के समर्थन में एक वादा किया था, तो आज आपने किस तरह से कूड़ा डालने का काम किया विधायक? दो दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और इनसो के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद बहादुरगढ़ में जो पिछले आज 11 दिन से लगातार कर्मचारी सफाई कर्मचारी संघ के लोग बैठे हैं उनके बीच में इनेलो समर्थन करने के लिए गई थी। और मैंने अपने भाषण में कहा था कि सरकार इनकी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है और इन परिस्थितियों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विपक्ष की पार्टी होने के नाते इन कर्मचारियों के साथ है। या तो सरकार दो दिन के अंदर इनकी मांगों को माने और इन कर्मचारियों को इनके काम पर लौटाने का काम करे ताकि शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल हालात नरकीय जीवन हो रखे हैं। शहर की जनता महामारी फैलने की स्थिति में है और जनता परेशान है। दो दिन हो चुके, कल शाम को दो दिन हो गए थे। जैसे ही मैंने ये घोषणा की, नगर परिषद की चेयरपर्सन साहिबा श्रीमती शीला राठी जी दल बल सहित अपने साथियों सहित कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए पहुंच गई और विधायक महोदय ने कोई भी पहल इस प्रकार की नहीं की कि वो इस सफाई व्यवस्था को लेकर के सफाई कर्मचारी संघ की समस्याओं को लेकर के कहीं भी गंभीर नजर आए हो। दो दिन के अंदर तो कल शाम को समय पूरा हुआ था, हमने आज सुबह पार्टी के कार्यकर्ता और इनसो के कार्यकर्ताओं में जाकर के जो है शहर की गलियों का कूड़ा उठा करके विधायक महोदय के कार्यालय पे डालने का काम किया। और ये कोई हमारी और विधायक की दुश्मनी नहीं है, विधायक सरकार के MLA है और सरकार के MLA की जिम्मेवारी बढ़ती है कि शहर के अंदर जो स्थिति है उससे निपटने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, तो उसका हमने एहसास कराने के लिए MLA के दफ्तर पर कूड़ा डाला है कि विधायक जी शहर की जनता कैसे जी रही है, आप भी एक दिन कम से कम ये जी करके देखो कि कूड़े के अंदर कैसे लोग रह रहे हैं। उसी कड़ी में आज सारे के सारे साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और BJP मुर्दाबाद के जबरदस्त नारे आपको वीडियो देखी भी होगी आप लोगों ने, वो हमने जो है वहां पर किया सुबह। और ये आज की हमारी कार्रवाई थी क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से ये सीखा है, जो उन्होंने किया है कहा है वो किया है। और जो दो दिन पहले मैंने खुले तौर पर चैलेंज किया था, कल से CID के लोग घूम रहे थे पूछ रहे थे, आज मैंने इन सबको बता दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कूड़ा डालने का काम किया। तो सर क्या लगता है इसका कितना जो है विपक्ष की जो सरकार में बैठे हैं विधायक जी, इन पर कितना असर पड़ेगा? सर वो विधायक की सोच पर डिपेंड करता है, इससे बड़ी बात क्या होगी कि शहर के लोगों ने रोष शुरू किया। पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं थे, शहर के लोग भी थे इसमें कि इन्होंने रोष दर्ज कराया। विधायक जी को इसमें गंभीर लेकर के आज ही सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। और नेताज हमने बहादुरगढ़ से शुरुआत की है, क्या आप जानते नहीं, आप सोच नहीं रहे हो क्या ये आगे हरियाणा प्रदेश में इनके मंत्रियों के दरवाजे पे भी लोग डाल करके आएंगे? तो उनको सोचना चाहिए, उन्हें सरकार को के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। और सरकार ने इन कर्मचारी संघ जो है सफाई कर्मचारी सरकार की सबसे छोटी कड़ी है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सफाई अभियान कई हजार करोड़ कई लाख करोड़ रुपए इस देश में खर्च कर दिया गया और एक तरफ आज सफाई कर्मचारी जो है पीड़ित है। और मैं पूछना चाहता हूं जो लोग आप लोग जैसे पत्रकार साथियों को बुला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे उठा करके झाड़ू उठा करके सफाई करने का काम करते, 11 दिन से कहीं आपको नजर आया पूरे प्रदेश के अंदर? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? वो खुद तो सफाई करे कम से कम। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी
हमारी नजर राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।